गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट आ रहा है कितना मेडिसिन का खर्चा आया है एम्प्रो ट्रांसफ़र का बाद, और बीटा एचसीजी टेस्ट जो होता है इसका जो है एटलीस्ट 14 दिन का गैप रहता है। जिस दिन आपका एम्प्रो ट्रांसफ़र होता है, मान लीजिए मेरा जो मंडे हुआ था, एक मंडे छोड़ के नेक्स्ट मंडे को मुझे बुलाया है बीटा एचसीजी टेस्ट के लिए। 15 दिन का होता है, 14 दिन का होता है वो जो बीटा एचसीजी टेस्ट होता है। उसके जो 15 दिन का मेडिसिन का खर्चा कितना आता है, ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अगर किसी का हुआ होगा तो उन लोग को आई थिंक पता होगा, बट जिसका नहीं हुआ होगा उनको पता नहीं होगा। अगर कोई किया होगा तो उन लोग को पता होगा मेडिसिन का खर्चा कितना आता है। मैं तो नहीं की थी, मुझे पता नहीं था। जब मेडिसिन लेके आए हस्बैंड तब मुझे पता चला मेडिसिन का खर्चा जो है बहुत मतलब ज़्यादा है। ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ना ही हम लोग का जो है एक अकाउंट में था कि हाँ ये मेडिसिन का इतना खर्चा हो सकता है। बट मुझे तो पता नहीं ऐसा जो मेडिसिन का कॉस्टली जो मेडिसिन दिया जा रहा है कितना दिन तक चलेगा, बट मैं भी शॉकिंग हो गई थी। मेरा जो था 20,000 का था, 19,000 कितना था समथिंग अप्रॉक्सीमेट जो है 20,000, बट सबका सेम नहीं होता। किसी का हो सकता है 17,000, किसी का हो सकता है 18,000, किसी का हो सकता है 19,000, 20,000। मेरा एक फ्रेंड थी उसका जो था 22,000 का था, तो हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। बट अब मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट जो है 20,000 मान के चलिए, और बहुत कॉस्टली होता है वो इंजेक्शन। तो अभी फ्रीज में है, मैं उसको निकाल के वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मैं ट्राई करूँगी उसका एक शॉर्ट वीडियो डाल देने के लिए। वो पेन वाला जो इंजेक्शन होता है, जो जिन लोगों ने एम्ब्रो ट्रांसफ़र जिन लोगों का हुआ होगा उन लोगों को पता होगा, एक पेन इंजेक्शन रहता है, उसको आपका पेट में लेना होता है डेली एक टाइम फिक्स करके। डेली एक एक करके 15 दिन तक वो इंजेक्शन चलेगा, वो है। और फॉलिक एसिड का मेडिसिन है, और कुछ मेडिसिन है, डुफास्ट्रोन है और इकोस्पिन है, ऐसे कुछ मेडिसिन चल रहा है। मैं इस साइट पे फ़ोटो लगा दूँगी वो मेडिसिन सब क्या क्या मेरा चल रहा है, तो आप लोग देखने से पता चल जाएगा। थोड़ा कॉस्टली हो जाता है मेडिसिन का। तो मेरा एक फ्रेंड थी जो की है, उससे मैं बात की थी, वो बोला कि इतना खर्चा नहीं होगा, ये फर्स्ट है जो इतना खर्चा हो रहा है। आई थिंक 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा, अगर किसी का कंसीव हो जाता है तो देखते हैं आगे मेरा क्या होता है 15 दिन के बाद, तब मैं आप लोग को बताऊंगी। मुझे 2-3 कमेंट आ रहा था कि आपका मेडिसिन का खर्चा जो है कितना हुआ कितना हुआ, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और बाकी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मतलब बात करने से मुझे खांसी हो रहा है, इसके वजह से मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पा रही, और मेरा वॉइस जो है बहुत लो आ रहा है, ये माइक लगा के भी बहुत लो आ रहा है, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है आप भी एक ये अप्रॉक्सीमेट मान के चलिएगा कि आपका 20,000 तक मेडिसिन का खर्चा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप ये चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, IVF रिलेटेड आपको ऐसे ही वीडियो मिलते जाएगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।